वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है और वो है हलाल सर्टिफिकेशन पर। अभी कुछ टाइम पहले हमारे स्टोर में हमारे कोई बेनिफिशियरी आए थे और उन्होंने हमसे वैसे ही एक प्रश्न किया कि भाई साहब, जब आप अपने स्टोर के लिए किसी भी कंपनी को चिन्हित करते हैं कि किसका सामान आप रखेंगे, तो क्या आपने उन पैरामीटर्स के अंदर एक पैरामीटर ये बनाया हुआ है कि उनके पास हलाल सर्टिफिकेशन है कि नहीं। अब मुझे जान के बड़ा अचंभा हुआ क्योंकि इस विषय में मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था, मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। 4 साल हो गए वाक्षी को, लेकिन कभी चिंतन भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने मेरे दिमाग में ये बात उन्होंने लेकर आई कि सर आप इसके ऊपर रिसर्च जरूर करें, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के अनुसार जो एजेंसी हलाल सर्टिफिकेशन देती है तो उनको सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट जो पैसा मिलता है वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। अब जब ये बात उन्होंने बताई तो इसके ऊपर थोड़ा जानना, थोड़ा समझना ये लाजमी था, इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना जरूरी था। तो हमने भी अपने स्तर पर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। हमने गूगल पर, यूट्यूब पर जितनी ऑर्गेनिक कंपनीज हैं उनके मालिकों से बात करने की कोशिश की कि हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में जो कुछ सर्वे हमने किया, जिन लोगों से हमने बात करी और जो कुछ हमने सर्वे, जितना भी हमने यूट्यूब से या गूगल से जानकारी निकाली, उससे हमें ये चीज पता चली कि जो जो कंपनी मतलब हलाल सर्टिफिकेशन लेती है उनका सिर्फ एकमात्र रीजन होता है हलाल सर्टिफिकेशन लेने का, और वो ये कि वो अपने उत्पाद मिडल ईस्ट में, जैसे दुबई हो गए, कतर हो गए, यूएई के जितने कंट्रीज हो गए, ये हो गए, या उन देशों में जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर अपने उत्पाद को सेल ऑफ कर सके। ये एक मेजर रीजन है कि क्यों जैसे एक राष्ट्रवादी कंपनी जैसे एक पतंजलि है उसको भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों लेना पड़ा। तो ये एक रीजन आता है कि व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हलाल सर्टिफिकेशन लेने से उन देशों के अंदर भी उत्पाद बिकता है, तो इससे किसी ना किसी कंपनी को थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। लेकिन जो इसका दूसरा पक्ष है वो पक्ष काफी ज्यादा, जब हमें उसके बारे में जानकारी लगी या जो हमने जाना, वो काफी ज्यादा चिंता का विषय था। और वो ये था कि जो एजेंसीज इनको सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट जो वो पैसा ले रही थी, ट्रांसपेरेंसी से वो पैसा कहां इस्तेमाल होता है ये बताना बेहद मुश्किल था। इसका ब्यौरा किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त देश के मुख्यमंत्री हों राज्यों के, या देश के अलग अलग मिनिस्टर्स हों, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो इसके ऊपर कुछ सोचना चाह रहा हो या इसके ऊपर किसी भी तरह का एक ठोस जजमेंट आया हो कि हलाल सर्टिफिकेशन सही है या नहीं सही है। अब हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो मैंने आपको बताया कि कंपनीज के जब सीईओ से या कंपनी के मालिकों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि सर हमें वहां पे सेल ऑफ करना पड़ता है, इसके लिए हम हलाल सर्टिफिकेशन लेते हैं। लेकिन इसका क्या दुष्प्रभाव हमारे देश की इकोनॉमी पे या हमारे देश के खिलाफ अगर हो रहा है उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो मैं आप सभी की नॉलेज के लिए ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो इससे आगे जब हम बात बनाएं तो आप इस प्लीज वीडियो क्लिप को देखें। टपरी दुकान ठेले से भी आप सामान लेंगे तो आपको हलाल सर्टिफिकेट का स्टैम्प मिलेगा। हालांकि अभी भी कुछ थोड़े से लोग बचे हैं जो इस चक्कर में नहीं पड़े हैं, लेकिन ये हलाल का वो सर्टिफिकेट है। जो सर्टिफिकेट कौन अब किसको दिया जाता है ये नाम ध्यान से सुनिए, इस फोटो को स्टील करिए। ये नाम है जमैत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, नाम नीचे लिखे रिकॉग्नाइज बाय सिंगापुर गवर्नमेंट। लेकिन ये केवल सिंगापुर का नहीं है, हिंदुस्तान का जमैत उलेमाए हिंद भी ये सर्टिफिकेशन देता है। आगे लीजिए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हिंदुस्तान में हलाल का सर्टिफिकेट देने वाले लोग इस देश के खिलाफ युद्ध करने वाले लोगों को आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। ये देखिए, ये हलाल कमेटी जमैत उलेमाए महाराष्ट्र, जमैत उलेमा हिंद भी है, तमाम अभी इन्होंने कई बनाकर रखी है, ये सर्टिफिकेट देती है। आप जानते हैं ये सर्टिफिकेशन देने के बाद होता क्या है, इनको ये सर्टिफिकेट के जो पैसे मिलते हैं ये पैसे जाता कहां है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये संस्था है जो कहती है कि इस देश का गृह मंत्री कलकत्ता एयरपोर्ट के बाहर नहीं आएगा, देश विरोधी काम करने वालों के लिए ये कैसे पैसा देती है, इसके कुछ न्यूज कटिंग में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अमित शाह वोंट बी एबल टू अलाउ टू स्टेप आउट ऑफ कलकत्ता एयरपोर्ट, CAA नॉट अ विड्रॉल, जमैत उलेमाए
उलेमाए हिंद, ये संस्था, ये वो संस्था है जो हिंदुस्तान में हलाल का सर्टिफिकेट देती है। केवल ये राजनीतिक विरोध नहीं करती, बल्कि उत्तर प्रदेश के हिंदुवादी नेता की जो हत्या हुई थी, जिनका नाम तिवारी था, कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले लोगों को कोर्ट में बचाव के लिए सहायता करने वाली संस्था भी जमेत उलेमाए हिंद है। आगे देखिए, बोल्ड नाम के नीचे लीगल जो लिखा है उसके नीचे जमेत उलेमाए हिंद, ये हैज एग्रीड टू बियर द लीगल एक्सपेंसेस। ये करती है, आपने खरीदा हुआ सामान का पैसा जा रहा है। ये देखिए आगे क्या करती है, ये मैं आउटलुक मैगजीन का आपको न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं। ये जमेत उलेमा हिंद प्रोवाइड्स लीगल एड इन मेनी केसेस। कौन से केसेस? तो सैकड़ों आतंकवादी, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी और न जाने कितने बड़े बड़े सीरियस क्राइम में जो मुसलमान फंसे हैं, उनको बचाने के लिए आप जो आटा खरीद के लाते हैं, दूध खरीद के लाते हैं, तेल खरीद के लाते हैं, उसका पैसा इनको बचाने में जाता है। ये वो नाम है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि वो कौन से नाम है, उसके बाद मैं आपको आज कई चीजें दिखाने वाला हूं। अब आपने ये वीडियो क्लिप देखी, अब इसके अंदर जितनी चीजें बताई गई, जो कि बार बार रिपोर्टर एक ही चीज कह रहे हैं कि इसके बारे में जज साहब को नहीं पता, इसके बारे में वकीलों को नहीं पता, इस पूरे प्रोग्राम में उन्होंने ये तक बताया कि कहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात करी, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब एक सटल प्रोग्राम चल रहा है और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं। तो इस चीज को समझते हुए अगर कोई एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास में कोई वो पैसा है जो वो देश के राष्ट्र के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के व्यापारियों को भी उसके लिए सजग होना जरूरी है। और वाक्षी ने जो वाक्षी की नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी थी, ये मेरा फर्ज बनता है कि अपने देश की अखंडता, अपने देश के समृद्धि के लिए कार्य किया जाए। और अगर हम सबके द्वारा दिया गया पैसा राष्ट्र के ही विरोधी गतिविधियों में, चाहे वो हम चीन को पैसा दें, चाहे वो किसी को भी पैसा दें, लेकिन हमारे राष्ट्र के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके ऊपर जो कार्य हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। अच्छी बात यह है, इसके बारे में जब हमने ऑर्गेनिक कंपनियों के आप सबके आशीर्वाद से आज वाक्षी को ये स्टेटस तो प्राप्त है कि अगर ऑर्गेनिक कंपनीज में हम कोई बात करते हैं तो उसको सीरियसली लिया जाता है। और ये कैंपेन हमने अभी 48 घंटे पहले ही शुरू किया था और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अभी यहां देख सकते हैं, ये उन सारी कंपनियों के नाम हैं जिनसे जब हमने बात करी, उनको हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमसे वादा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन को वो नहीं लेंगे, उसी रिपोर्ट के आधार पे जो मैंने अभी आपको दिखाई। और जिन्होंने ले रखी है उन्होंने ये कहा है कि इस साल से उस हलाल सर्टिफिकेशन को रिन्यू करवाना वो बंद करेंगे। जितने भी नई पैकेजिंग आएंगी उनकी कंपनियों की, उनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन को लगाना वो बंद करेंगे अगर उन्होंने ले रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि हलाल सर्टिफिकेशन के बहुत सारे पैमाने हैं जिनको दुनिया देखती है या समझती है, लेकिन अगर हमारे देश में कोई भी एक एजेंसी है जो किसी भी तरीके से कोई भी पैसा जो है हमारे देश में कमा रही है, लेकिन अगर उसका पैसा देश के विरुद्ध यूज होता है या वो ट्रांसपेरेंसी से इसका ब्यौरा देने में असमर्थ है, तो वहां पर देश के हर नागरिक को एक साथ जागना चाहिए। हम किसी भी एजेंसी, किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारे देश के हर मुसलमान भाई के अंदर हमें एपीजे अब्दुल कलाम देखना चाहिए, हर हिंदू भाई में शिवाजी दिखने चाहिए, हर पारसी के अंदर हमें जेआरडी टाटा दिखने चाहिए, मेरा हमेशा से ये मानना है। और हम सब भाइयों का एक ही फर्ज है कि देश अखंड रहे, राष्ट्र अखंड रहे, राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर हो। इसके लिए जो जो प्रयास हम सब लोग मिलकर कर सके हमें वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक व्यापारी होने के नाते जितना सबल आपने वाक्षी को बनाया, उसके नाते जो मेरा फर्ज था वो मैंने आपके सामने रखा है। वाक्षी के स्टोर से जब तक हमें दो कंफर्मेशन चाहिए, या तो जो हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं वो ये बता दें कि इसकी क्यों जरूरत है, ये क्यों हमारे उत्पाद पे होना बहुत जरूरी है, और इससे अर्जित किया गया पैसा देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता। अगर ये प्रमाण हमें मिल जाएगा तो ये कैंपेन हम रोकेंगे। अदरवाइज वाक्षी के स्टोर में आने वाले प्रोडक्ट्स में जितनी कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा उसके अंदर ये पैरामीटर मुख्य रूप से संकलित किया जाएगा, उसमें सम्मिलित किया जाएगा कि हलाल सर्टिफिकेशन उनके पास ना हो।
और पूरी ऑर्गेनिक एसोसिएशन, जितने लोगों का मैंने अभी आपको नाम बताया, अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्लेजेस हमारे पास आ रहे हैं, धीरे धीरे ये लिस्ट और बढ़ती जाएगी, और पूरी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर वाक्षी ने ये कदम उठाया है आप सभी की आवाज को समझते हुए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि हलाल सर्टिफिकेशन को हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना तत्काल से बंद करेंगे और इसका समर्थन हम नहीं करेंगे। और अगर कोई हमें बता देता है कि हलाल सर्टिफिकेशन हमारे देश के लिए जरूरी है तो जरूर इस विचार को बदला जा सकता है, लेकिन जब तक उसके तथ्य हमारे पास नहीं उपलब्ध होते तब तक हलाल सर्टिफिकेशन के हम विरुद्ध रहेंगे। माँ भारती सबको सद्बुद्धि दे, हम सब भाई बहनों को एक साथ आगे राष्ट्र की समृद्धि की ओर एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरणा दे, ऐसी ईश्वर से हमें प्रार्थना। धन्यवाद।